हेलो व्यूअर, सुदीप होममेड कुकिंग में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं मोमो, वेज मोमो और चिकन मोमो। तो वेज मोमो बनाने के लिए यहाँ पर हमने खूब सारे प्याज काट के रखा है। यहाँ है अदरक, यहाँ है लहसुन, यहाँ है एक गाजर जिसको हम ग्रेट करेंगे, धनिया, हरी मिर्च कटी हुई, नमक, रिफाइंड ऑयल और यहाँ पर है कैबेज। तो चलिए पहले बनाते हैं वेज मोमो, इसके बाद चिकन मोमो। अभी हम सब्जियों को ग्रेट कर लेंगे। गाजर को पहले हम उसका छिलका थोड़ा सा निकाल के दिए थे, ऐसे ग्रेट कर लेंगे। बंधा गोभी को भी ऐसे ही, कैबेज को भी ऐसे ग्रेट कर लेंगे। फिर नमक से इसको थोड़ा देर रख देंगे सेटिंग होने के लिए, और इससे पानी भी निकलेगा। तो पानी हम पहले उसको निकाल देंगे, सारे पानी को ऐड कर लिया है। और अभी हम इसमें नमक मिला रहे हैं और सारे सब्जी को मिक्स करके कुछ देर समय रख देंगे इनसे पानी निकलने के लिए। और पानी जब निकलेगा तो उसमें हम पानी को इस नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे उसको। अभी हम मैदे में नमक मिक्स कर रहे हैं और इसका मोमो बनाने में यूज़ करेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी। इससे हम पतला सा एक पहले डाव बनाएंगे और उससे पतला सा एक रोटी बनाएंगे, इसको उन्होंने मोमो बनाने में यूज़ करेंगे हम लोग। तो हेलो व्यूअर्स, करीब 10-15 मिनट तक ऐसे सेटिंग करने के रखने के बाद यहाँ पर पानी निकला है सब्जी से, और इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर चाहे तो मैदे में भी यूज़ कर सकते हैं डाव बनाने के समय, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे इसको। और यहाँ पर सूखा हुआ सब्जियाँ रख रहे हैं, और यहाँ पर अभी पेपर पाउडर मिला रहे हैं, ब्लैक पेपर पाउडर। व्यूअर्स, ऐसे हमने डाव बना लिया है और उसका छोटा छोटा गुल्ली कर रहे हैं। और अभी एक मोमो का कवरिंग बना लेंगे ऊपर का रोटी। और अभी हम इसमें थोड़ा सा पुड़िया की तरह बना रहे हैं, इसको पतला करके बनाएंगे ऐसे बेल बेल के। अभी इस आमदन में ये सब्जियों को डालेंगे। हम लोग स्टीम मोमो बनाएंगे अभी। तो सारे मोमो को ऐसे पहले पुड़िया की तरह बनाएंगे, फिर उसके अंदर में फिलिंग्स डाल के फिर उसको कवर कर देंगे। और सारे होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये हमारे सारे मोमोस को हमने अंदर से स्टफिंग डाल दिया है, और यहाँ पर हमने एक ऐसे एक यूटेंसिल लिया है, इसको देखिए साइज से थोड़ा होल्स भी है जिसमें स्टीम होगा। तो अभी इसमें डाल रहे हैं हम, इस पतीले में हमने तेल भी लगा दिया है पतीले से। हेलो व्यूअर्स, अभी हम इस यूटेंसिल में
पानी गर्म करने के लिए रखा है और इसी में मोमो स्टीम होगा। पानी हमारा गर्म हो गया है और अभी हम इसको ऐसे रख देंगे ताकि उस स्टीम से मोमो बने। व्यूअर्स, अभी हम चिकन मोमो को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चिकन को ऐसे काट के रखा है और प्याज दिया है और नमक से इसको मिक्स करके रखा है और अभी हम मिलाने वाले हैं ब्लैक पेपर। थोड़ा गरम मसाला भी देंगे। तो धनिया भी दिया है और थोड़ा गरम मसाला दे रहे हैं अभी। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ सॉस भी मिला सकते हैं, सोया सॉस, टमाटर सॉस, जो आपको पसंद है। हम लोग यहाँ पर सिंपल ही बना रहे हैं। हमारा डाव पहले से बना हुआ था, उसी में ही बना लेंगे तीन चार। अभी जो हमने डाव बना के रखा था उसे छोटा छोटा पीसेस कर रहे हैं और पूरिया बना के उसमें स्टफिंग कर देंगे चिकन का। स्टफिंग में हमने थोड़ा ऑयल भी मिला रहे हैं अभी। और ऐसे अंदर में स्टफिंग दे के इसको बाहर से कवर कर देंगे और सारी ऐसे को बना के फिर कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सारे चिकन मोमोज को हमने इस यूटेंसिल में डाल दिया है और यूटेंसिल में सारे तरफ से तेल भी लगा दिया था और अभी इसको स्टीम करने के लिए बैठाते हैं। चिकन मोमोज को भी बैठा दिया है। नीचे पतीले में पानी है जो गर्म हो रहा है और ऊपर में उसका स्टीम जाके मोमोज को पकाएगा। तो चलिए बनने के बाद देखते हैं, आधा घंटा मन लगेगा। यहाँ पर हमारा वेज मोमोज बन के तैयार है और मैं एक साथ आपको प्रेजेंट करूँगा। तो हेलो व्यूअर्स, करीब 15-20 मिनट तक हो गया है और अभी हम चेक करते हैं कि हमारा ये चिकन मोमो बनना है कि नहीं। तो ये देखिए धुआं निकल रहा है और देख के लगता है कि बन गया है। वैसे चम्मच से प्रेस करके देखेंगे, मैदा अच्छा से हाँ हो गया है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे फिर प्रेजेंट करता हूँ। जल्दी मेरा बेटा ट्राई करके बताएगा कि कैसा बना है। लेट्स ट्राई गाइस। हॉट है। अच्छा बनाए। ओके, थैंक यू।